एक बच्चा जो रात को 3 बजे अपने आप बड़ा हो जाता है, उसके हाथ पैर इतने बड़े हो जाते हैं कि वो उसके कपड़ों में भी नहीं समाते। जी हाँ, ये जो आपने क्लिप देखी थी ये उसी बच्चे की थी, और ये बच्चा कम कोई राक्षस ज्यादा लगता है। ये दो लोग आज उस घर में रुकने वाले हैं जिसमें वो बच्चा रहता है, और ये उसकी पूरी एक्टिविटी को रात भर रिकॉर्ड करने वाले हैं। ये वीडियो वाकई में बहुत ज्यादा डरावना होने वाला है, तो अगर तुम में हिम्मत है तो ही इसको देखना, और रात में तो बिल्कुल भी मत देखना। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं चाहे कितना भी समझा लूं, तुम इस वीडियो को पूरा जरूर देखने वाले हो। इसी के साथ साथ आज हम देखेंगे एक रियल घोस्ट को जो कि कैप्चर हुआ था मैक्सिको की टॉय स्टोर में। तो यार इंतजार किस बात का है, बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का फाड़ू वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं, इसे जरा ध्यान से देखना। बहुत हिम्मत वाले बन रहे थे ना, अब क्या हुआ? मैंने बहुत दिनों से वीडियो में कोई जंप स्केयर नहीं डाला था, तो तुम लोगों को ना ऐसा लगने लगा था कि मेरे वीडियो में अब मजा नहीं आ रहा है। अब आया मजा? तो चलो मजाक को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि ये दो लोग जो उस हॉन्टेड घर में जाने वाले थे अब क्या कमाल करते हैं। इन लोगों ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर दिए हैं, और यहाँ पर हर कमरे की फुटेज इनके पास आ रही है, जिसमें पहली फुटेज है जहाँ पर ये दोनों लोग रुकने वाले हैं, दूसरी फुटेज है जहाँ पर वो बच्चा सोने वाला है रात में, जो रात में बड़ा हो जाता है, और तीसरी फुटेज जो है वो उस बच्चे के माँ के कमरे की है। रात का समय है, ये सब लोग अपने अपने कमरों में सो गए हैं। मुझे तो लिटरली ये समझ में नहीं आता कि इतने खतरनाक जगह पर जाने के बाद किसी को कैसे नींद आ सकती है। मतलब अगर मेरे घर के बाहर कोई कुत्ता भी रोता है तो मेरी नींद नहीं लगती, और यहाँ पर मालूम है कि बाजू वाले कमरे में एक ऐसा बच्चा सो रहा है जो रात में भूत बन जाता है, और ये लोग सो रहे हैं मस्त आराम से। ये बच्चे के कमरे का फुटेज है। ओ ओ ओ, वेरी स्कैरी। बाप रे, अरे अभी से क्या हो रहा है? एक मिनट, इसको जरा फिर से रिवाइंड करके देखते हैं। ओ माय गॉड, जो कुछ भी है ये असली है नकली है, व्हाटएवर इट इज, बट इट्स स्कैरी मैन, इट्स वेरी स्कैरी। भाई ये कमरे से बाहर आ गया है, और इसकी आवाज सुनो कितनी डरावनी आवाज निकाल रहा है ये। ये कहां से बच्चा लग रहा है यार, ये तो पूरा का पूरा राक्षस है, और ये दोनों सो रहे हैं लिटरली। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। उठो भाई, वो अपनी मम्मी के कमरे में घुस गया है, उसकी मम्मी को भी पता नहीं चला वो कमरे में आ चुका है। और बाप रे ये क्या कर रहा है, उसके मुंह से इतनी लंबी जीभ निकली है। ओह, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने खून चूस लिया है, जैसे वैम्पायर करते हैं ना, ऐसे ही कुछ लग रहा है मुझे। लिटरली दिस इज नेक्स्ट लेवल मैन, दिस इज रियली नेक्स्ट लेवल यार, तो मुझे भी डर लगने लगा है। ये रात खत्म हो गई है, वो बच्चा वापस से जाकर अपने कमरे में सो गया या उसने क्या किया मुझे नहीं पता, मैंने इस वीडियो को आगे नहीं देखा। अब हम डायरेक्ट देखने वाले हैं कि नेक्स्ट डे क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों लोग जो सोते रहते हैं ये एक और रात इस घर में बिताने वाले हैं, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर आज की रात कुछ तो फाड़ू होगा। ये बच्चा रात में सो नहीं रहा, ये जागता रहता है। बाप रे, ओह हो, उसने पलट कर देखा यार कैमरे में, ऐसा लग रहा है कि मुझे ही देख लिया इसने, मेरे रोंगटे खड़े हो गए सच में। बाप रे, इसके हाथ पांव कितने लंबे हैं यार। लेकिन इस बार इन लोगों ने समझदारी की, क्योंकि ये लोग अपनी नींद नहीं छोड़ सकते, तो इन्होंने मम्मी के कमरे को अंदर से लॉक कर दिया, कुर्सी फंसा दी यहाँ पर। गुस्सा आ गई उसको, लिटरली उसको गुस्सा आ गई। ओ माय गॉड, उठो बे, क्या कर रहे हो? वो दरवाजा तोड़ रहा है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? और उसने दरवाजे में छेद कर दिया है अपना सिर मार के। कैन यू इमेजिन? ओह फक, बाप रे, कितना ज्यादा स्कैरी है यार। मतलब तुम खुद इमेजिन करो कि अगर तुम्हारे घर के बाहर कोई दरवाजे पे ऐसे नॉक कर रहा हो, अपना सिर मार रहा हो, और दरवाजे में छेद करके उसकी मुंडी बाहर आ जाए। ये लोग भागते हुए उस जगह पर गए हैं, और इन लोगों के हाथ में कुछ भी वेपन नहीं है। ये लोग कैसे उस लड़की को बचाने वाले हैं, उस औरत को बचाने वाले हैं? और फाइनली वो भाग गया, इनके हाथ से निकल गया। ऑब्वियसली यही होना था, इन लोगों ने उस लड़की को, मतलब उस बच्चे की माँ को बहुत ढूंढा, जब वो नहीं मिली तो उन्होंने उसकी सिस्टर से कॉन्टेक्ट किया, और उन्हें बताया कि ये जो बच्चा था जिसका नाम था टॉमी, ये रात में बड़ा हो जाता था अपने आप। तो उस सिस्टर ने बताया
कि टॉमी एक साल पहले ही मर चुका था। तो अगर टॉमी एक साल पहले मर गया था तो उसकी माँ ने इन दोनों लोगों को ईमेल करके क्यों बुलाया? मेरे को तो समझ में नहीं आया। ये है मारियो लारा की टॉय शॉप जो कि मैक्सिको में है और ये हॉन्टेड है। मारियो ने अपने फेसबुक पेज पर इस शॉप की ऐसी ऐसी वीडियोस फुटेजेस डाली हैं जिन्हें देखने के बाद अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। ये भूत केवल मारियो को परेशान नहीं करता बल्कि उसके कस्टमर्स को भी परेशान करता है। देखा आपने किस तरह से सामान को फेंका जाता है, बहुत सारी चीजें अपने आप जगह से हट जाती हैं। रात में यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है जो की सारी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। यही नहीं, यहाँ पर रात में डॉल्स अजीब अजीब टाइप की एक्टिविटी करती हुई पाई जाती हैं। मारियो ने यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर देखे हैं। उसने डॉल्स को एक जगह पर रख दिया और जब अगली सुबह आकर देखा तो वो डॉल अपनी जगह पर नहीं थी, वो कहीं और जाकर रखी हुई थी। और सबसे ज्यादा डरा देने वाली क्लिप तो अब आने वाली है जब मारियो के सीसीटीवी में केवल मूवमेंट्स को नहीं बल्कि एक रियल घोस्ट को कैप्चर किया गया। आप इस फुटेज को देख सकते हैं, यहाँ पर खिलौनों के बीच में ये एक अजीब सा क्रीचर दिख रहा है। क्या है, कौन है, ये शॉप में रात को कैसे आया, इसके बारे में मारियो को कुछ भी नहीं पता, बट इट्स रियली स्कैरी। इस वीडियो को बनाने का एम बिल्कुल भी ये नहीं था कि किसी भी तरीके के अंधविश्वास को या भूत प्रेत वाली बातों को बढ़ावा दिया जाए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप भूत प्रेतों पर विश्वास कीजिए, उन्हें मानिए, लेकिन ये जो सारी चीजें इंटरनेट पर आजकल हर किसी के पास अवेलेबल है, ये हमें सोचने पर मजबूर तो करती है कि क्या ऐसी कोई शक्ति वाकई में होती है, क्या वाकई में बुरी आत्माएं होती है जो किसी जगह को अपना अड्डा बना लेती है, उस जगह को हॉन्टेड कर देती हैं और वहां रहने वाले लोगों का जीना हराम हो जाता है। कुछ चीजें इतनी इंपैक्टफुल होती हैं कि वो रियल हो या फेक इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत ज्यादा स्कैरी होती हैं, वो हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर देती हैं। इसलिए मैंने पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर आप में हिम्मत नहीं है तो रात में और अकेले में इस वीडियो को बिल्कुल मत देखना। लेकिन तुमने देखा होगा, देख लिया है, मजे ले लिए हैं, तो जल्दी से लाइक कर दो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जल्दी हम मिलने वाले एक और फाड़ू वीडियो में। तो वीडियो खत्म हो चुका है, लेकिन अगर आप अभी तक इसे देख रहे हैं तो कल मेरा बर्थडे था, मतलब 10 दिसंबर को, क्योंकि मैं आज 11